नमस्ते एंड वेलकम टू नो हाउ। टुडेज रूट वर्ड इज पेन। इसका मतलब है ऑल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पेनेशिया। पेन मीन्स ऑल एंड एशिया मीन्स रेमेडी, सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी दवा जो सब कुछ सारी बीमारियों को क्योर कर दे। वैसे रियल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी दवा है। फिर अगला वर्ड सबने खूब सुना होगा पिछले एक साल में, पेंडेमिक। पेन मीन्स ऑल एंड डेम मीन्स पीपल, ऐसी बीमारी जो ऑलमोस्ट सभी लोगों में हो या एंटायर वर्ल्ड में फैल जाए, महामारी जैसे कोरोना। फिर है पेंडेमोनियम। पेन मीन्स ऑल एंड डीमन मतलब शैतान, कि हर तरफ डीमन हो, शैतान हो तो कैसा डिसऑर्डर होगा। इसका लिटरल मतलब है कि हर तरफ शोर होना, कन्फ्यूजन होना या फिर अव्यवस्था होना। इसे ऐसे समझो, किसी एरिया में अगर टेररिस्ट अटैक होने वाला हो और लोगों को पता चल जाए पहले ही, तो उस टाइम वहाँ जो माहौल होगा उसे डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो पेंडेमोनियम। नेक्स्ट है पेंजिया। पेन आप सबको पता चल गया ऑल, एंड जिया मीन्स अर्थ, इट मीन्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। आपको पता होगा आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग एक दूसरे से, काफ़ी डिस्टेंस है इनके बीच में, बट एक टाइम ऐसा भी था जब कॉन्टिनेंट 7 नहीं थे, बस एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया। नेक्स्ट वर्ड है पनोरमा। हॉर्मा मीन्स व्यू, तो पनोरमा होगा फुल वाइड व्यू किसी बड़े लैंड का, जैसे किसी पिक्चर में कोई बहुत ही बड़ा लैंड कवर हो। स्मार्टफोन के कैमरा में भी पेनोरमिक मोड का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट वर्ड है पैंथियन। नाउ थियो मैंने आपको पहले भी बताया है, इट रेफर्स टू गॉड, सो पैंथियन मीन्स ऑल गॉड्स। कोई ऐसी वर्शिप करने की जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ सभी रिलीजन के गॉड्स को वर्शिप किया जाता है। फिर है पैंथियज़म। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें इंसान वर्शिप करे या रिस्पेक्ट करे सभी रिलीजन की, बीइंग टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन। फिर है पैनक्रियाज। क्रियाज मीन्स फ्लैश, तो इसका लिटरल मीनिंग यही हो गया, ऑल फ्लैश। पैनक्रियाज आप सभी को पता ही है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। नाउ नेक्स्ट है पेनोपली। पहले लोग जो युद्ध किया करते थे तो जो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखते थे, आर्म रखते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता था, बट अब ब्रॉडली आप किसी भी चीज़ के, किसी लार्ज कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास बहुत सारे गैजेट्स का कलेक्शन हो तो कहेंगे पेनोपली ऑफ गैजेट्स। अगर किसी के पास बहुत डिज़ाइनर ड्रेसेस हो तो उसे कहेंगे पेनोपली ऑफ डिज़ाइनर ड्रेसेस। या फिर किसी के पास अगर स्टैम्प्स हो बहुत सारी तो उसे भी कहेंगे पेनोपली ऑफ स्टैम्प्स। नेक्स्ट वर्ड है पैंजरिक। इसका मतलब है पूरी की पूरी बस तारीफ हो किसी की, अब वो तारीफ चाहे रिटन लेटर में हो या स्पीच में हो, बस तारीफ हो। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ पैंजरिक फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। फिर नेक्स्ट वर्ड है पेंटोमाइम। इट मीन्स ऑल मिमिक्री। ये एक टाइप का प्ले है जिसमें म्यूजिक, डांस, जोक सब कुछ होगा। ये बेस्ड होता है फेरी टेल्स पे, नॉर्मली क्रिसमस के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इतने वर्ड्स काफ़ी हैं, इन्हें लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, और अगर आपको भी पेन प्रिफिक्स से कोई वर्ड पता हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मीनिंग के साथ। वी ऑल वुड लव टू रीड। मिलते हैं कल @9:15। टेक केयर, स्टडी वेल एंड शाउट टू द फैमिली ऑफ नोहा।